सो फ्रेंड्स, आज की कहानी स्टार्ट होती है सुजुकी से। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आए हो काफी अच्छे होंगे आप लोग भी। मेरा नाम है रूपम और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे अपने चैनल दैट इज रूपम ब्लॉग्स। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उसको जैसे क्लिक करेंगे तो ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना ना भूले, नहीं तो कोई भी वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा सुजुकी की तरफ से एक न्यू अपडेट आई है गाड़ी के रिगार्डिंग। अब कौन सी गाड़ी मैं बता देता हूँ, दैट इज सुजुकी इंट्यूडर। यस, लॉन्च करने वाले है इस फेस्टिवल सीजन में। तो आपको इस गाड़ी में क्या क्या मिल जाता है और क्या क्या नए अपडेट रहेंगे इस गाड़ी में, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सो वेस्ट नहीं करते टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सुजुकी इंट्रूडर के ऊपर बात करें तो ये जब लॉन्च हुई थी तो काफ़ी अच्छी बाइक थी, 155 सीसी की बाइक थी। थोड़ा प्राइसिंग थोड़ा हाई था लेकिन काफ़ी अच्छी राइड एंड कंफर्ट थी इसमें, और थोड़ा अलग लुक था। जैसे जो बिग इंट्रूडर थी उसको मद्देनजर रखते हुए इस गाड़ी को बनाया गया था, और काफ़ी स्टाइलिश लुकिंग ये क्रूजर बाइक बोल सकते हैं दैट टाइम। एंड काफ़ी अच्छी गाड़ी भी थी, और उस गाड़ी में कुछ अपडेट किए गए फॉर दिस न्यू वर्जन जिसको ये लोग फेस्टिव सीजन में लॉन्च करने वाले हैं। उसमें से तीन अपडेट हुए हैं। जो पहला अपडेट हुआ है डेट इज़ ऑलवेज अ पेंट स्कीम। यस, पूरा ब्लैक पेंट स्कीम, और उसमें रेड कलर का स्ट्रिप आपको मिल जाता है जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। एंड इसका जो दूसरा अपडेट हुआ है दैट इज़ इसका जो बैक रेस्ट है। यस, इसमें आपको अब बैक रेस्ट मिलेगा। पहले सिर्फ आपको एक ग्रैब रेल था जिसको आप पकड़ सकते थे, लेकिन अब जो सेकंड पर्सन बैठेगा पीछे उसके लिए एक बैक रेस्ट भी दिया है, जैसे एवेंजर में होता था वैसा इसमें भी प्रोवाइड किया गया है। और जो तीसरा अपडेट हुआ है वो है इसका प्राइस। यस, थोड़ा सा ही प्राइस बढ़ा है लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ा है। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक कार्बोरेटेड वेरिएंट एंड एक वेरिएंट आता है आपका फ्यूल इंजेक्शन वाला वेरिएंट। सो दोनों के प्राइस में मिनिमल ही चेंजेस है। जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है डेट इज़ कार्बोरेटेड, उसमें 400 रुपये या 450 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा फॉर द न्यू बाइक। जो बेस वे जो अभी गाड़ी आपको मिल रही है उससे से 400 से 450 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा फॉर द न्यू वर्जन। एंड फॉर फ्यूल इंजेक्शन वहाँ पे आपको 500 से 550 रुपये देना पड़ेगा फॉर द न्यू पेंट स्कीम और वो बैक रेस्ट के लिए। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई डिज़ाइन की। अब डिज़ाइन के बाद क्या अपडेट आया है इसमें इंजन स्पेसिफिकेशन में? नहीं, कोई भी अपडेट नहीं है इंजन स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग। वही अपडेट है, वही 155 सीसी का जो जिक्सर में लगा हुआ है सेम इंजन ही इसमें पुटअप किया गया। बस ये कि गाड़ी थोड़ी रिफाइंड होती है एज कम्पेयर टू जिक्सर, क्योंकि इसको थोड़ा ट्यून अप किया गया एज अ क्रूजर के हिसाब से। यही उसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है। एंड इसका इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करो तो ये इंस्ट्रूमेंट आपको वही सेम डिजिटली मिलेगा, उसमें भी कोई अपडेट नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, वही मैं बात करूँ फ्यूल इंजेक्शन वाला और जो कार्बोरेटेड वेरिएंट है ये, इसमें पावर आउटपुट क्या निकलता है, वही सेम 14.6 BHP का पावर आउटपुट एंड 14 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क दोनों गाड़ियों में मिल जाता है कार्बोरेटेड एंड फ्यूल इंजेक्शन वाले पे। ये तो बात हो गई गाड़ी के इंजन के ऊपर। अब मैं बात करूँ इसकी प्राइसिंग की, कितनी प्राइस में आएगी ये गाड़ी जो पुराने वेरिएंट से है और ये जो नया लुक आया है। तो इसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 1,500 रुपीज़ फॉर द कार्बोरेटेड वेरिएंट, और अगर आपको लेना है फ्यूल इंजेक्शन वाला वेरिएंट तो आपको इसको पे करना पड़ेगा 1,07,300 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा फॉर द फ्यूल इंजेक्शन। ये प्राइस एक्स शोरूम का बता रहा हूँ, सिटी टू सिटी डिफर कर सकता है। जब ये लॉन्च होगा उसके बारे में आपको बता दूंगा कि कब ये लॉन्च होने वाली है। वैसे तो फेस्टिवल सीजन में हो जाएगा, मतलब इस 2 महीने के अंदर ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। वही मैं अगर बात करूँ ब्रेकिंग सिस्टम तो इसमें वही फ्रंट में डिस्क ब्रेक और बैक में भी इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना। Till then, I will see you soon in my next video, blog, review, news, कुछ भी हो सकता है। Till then, ciao.